हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 7 में, यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर। आज हम डिस्कस करेंगे उसके आगे, तो लेक्चर स्टार्ट करें इससे पहले आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त हैं, जबरदस्त होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे होंगे और अपना और अपने फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। हाथ में लीजिए पेन एंड पेपर एंड चेहरे पर रखिए एक बड़ी सी स्माइल, राइट? तो बिल्कुल एनर्जी के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, जो क्वेश्चन आपका AIPMT 2002 का क्वेश्चन है, यहाँ पे लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर AIPMT में आ चुका है, AIPMT 2002 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है राइट द फॉर्मूला ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मतलब किसकी बात कर रहा है, एमबी की बात कर रहा है, राइट? राइट द फॉर्मूला ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई के टर्म में पूछ रहा है, ठीक है? लैंग्वेज थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, जो है AIPMT 2002 में जो क्वेश्चन आया था, लैंग्वेज थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, एग्जैक्टली मुझे लैंग्वेज याद नहीं है, बट क्वेश्चन यही था कि राइट द फॉर्मूला ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि एमवी इन टर्म्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट? तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, हमने लास्ट क्लास में इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी किया था। इनफैक्ट आपको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू होता है आपका N/VRT। N क्या होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, आप उसको एनबी भी लिख सकते हैं, NB/VRT। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है आपका मोलैरिटी। क्या होता है आपका मोलैरिटी होता है, मोलैरिटी। इसको आप सी से रिप्रेजेंट करते हो तो पाई इज इक्वल टू CRT भी लिख सकते हो, पाई इज इक्वल टू CRT भी आप लिख सकते हो। तो बेसिकली पाई इज इक्वल टू क्या आ गया यहां से, एनबी। एनबी को आप क्या लिख सकते हो, एनबी को आप लिख सकते हो WB/MB, यानी कि WB मतलब क्या हुआ, वेट ऑफ सॉल्यूट, राइट? और MB क्या हुआ, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। MB में क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, राइट? इनटू RT बाय V, ठीक है? अब यहां से आप क्या लिख सकते हो, आपको चाहिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, आपको क्या चाहिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB चाहिए। MB को आप उधर ले जाओ और पाई को इधर ले आओ, तो आप क्या किए, MB को आप उधर ले गए और पाई को आपने इधर ले आया, तो हो गया आपका WB/πRT/V। इट इज एज सिंपल एज दैट। एंड हमने लास्ट क्लास में इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी किया था, तो ये काफी आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, राइट? तो चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं, इसको आपने नोट कर लिया होगा। इसके अलावा आपने पहले सुना होगा कभी, कुछ इस तरह के नाम सुने होंगे, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, ऐसा नाम आपने जरूर सुना होगा। तो हम देखने जा रहे हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, राइट? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। ये क्या होते हैं आपके, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, इसको भी कहीं ना कहीं आपने 9th क्लास के अंदर, मुझे जितना याद आ रहा है 9th क्लास में मैंने बायोलॉजी में ऐसा कुछ वर्ड सुना था, राइट? लेकिन ठीक है, उसको मारते हैं गोली, आगे बढ़ते हैं कि हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो बहुत आसान है, लास्ट क्लास में हमने ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्कस किया था, हमने कहा था दो सॉल्यूशन रखे और बीच में सेपरेटेड है, किसके थ्रू, SPM के थ्रू सेपरेटेड है। अगर जो है, ठीक है, आपका ये सॉल्यूशन है, इसको आपने माना सॉल्यूशन वन और इसको माना आपने सॉल्यूशन टू, इन केस, ठीक है, तो आपके दो सॉल्यूशन है। ऐसे कोई भी दो सॉल्यूशन जिनको ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, इक्वल, इसके लिए आपने ऑस्मोटिक प्रेशर मान लिया π1, इसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर आपने मान लिया π1 और इसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर आपने मान लिया π2, इसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर आपने मान लिया π1 और इसके लिए मान लिया ऑस्मोटिक प्रेशर π2। तो ऐसे दो सॉल्यूशंस जिनके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल, वो क्या कहलाते हैं, आपस में आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, राइट?
यानी कि इफ पाई वन इज इक्वल टू पाई टू, इफ पाई वन इज इक्वल टू पाई टू इट मीन्स व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बोथ द सॉल्यूशंस आर इक्वल, इफ पाई वन इज इक्वल टू पाई टू इट मीन्स व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बोथ द सॉल्यूशन, ऑफ बोथ द सॉल्यूशंस, ऑफ बोथ द सॉल्यूशंस आर इक्वल, आर इक्वल राइट, इफ पाई वन इज इक्वल टू पाई टू इट मीन्स व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बोथ द सॉल्यूशंस आर इक्वल एंड दोस सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एंड सच सॉल्यूशन आर कॉल्ड एंड सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एंड सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज, आर कॉल्ड एज, आर कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, क्या कहलाते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहलाते हैं राइट। यानी कि कभी भी जब आपका है ना कोई दो सॉल्यूशन है जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, कोई भी ऐसे दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, यानी कि पाई वन इज इक्वल टू पाई टू है, ऐसे कोई भी दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है यानी कि पाई वन इज इक्वल टू पाई टू, सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि दो सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है तो उन्हें आपस में क्या कहते हैं, आइसोटोनिक है राइट। यानी कि बोथ दी सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक विद ईच अदर, दैट मींस बोथ दी सॉल्यूशंस आर, बोथ दी सॉल्यूशंस आर, बोथ दी सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक विद ईच अदर, आइसोटोनिक विद ईच अदर राइट, बोथ दी सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक विद ईच अदर राइट। अब मान लो ऐसा ना हो, मान लो ऐसा ना हो पाई वन और पाई टू में से किसी की वैल्यू ज्यादा या कम हो राइट, मान लो पाई वन और पाई टू में से किसी की वैल्यू ज्यादा है, अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है तो बोथ सॉल्यूशन विल बी आइसोटोनिक विद ईच अदर, यानी बोथ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, है ना, आइसोटोनिक विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर राइट। इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बोथ द सॉल्यूशंस आर इक्वल देन बोथ द सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड एज आइसोटोनिक विद ईच अदर राइट। लेकिन ऐसा जरूरी तो है नहीं, बहुत ऑब्वियस है ना, पाई वन और पाई टू की वैल्यू में से कोई भी एक बड़ी कोई भी एक छोटी हो सकती है, लेट्स से है ना, इफ ये तो होगा आपका पहली चीज। लेकिन अगर ऐसा हुआ इफ पाई वन इज इक्वल इज ग्रेटर देन पाई टू, दोनों बराबर थे तब तो बात अलग थी, इफ पाई वन इज ग्रेटर देन पाई टू यानी कि एक की ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है दूसरे की कम है, देन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होती है दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नाम से भी बहुत क्लियर है वैसे, अगर ये देखो अगर ये टॉपिक में आपको नहीं भी बता रहा तो कॉमन सेंस से भी आप बता सकते थे राइट, आइसो मींस बराबर राइट। तो आपका क्या वो पाई वन पाई टू, अगर पाई वन और पाई टू इक्वल है यानी ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू इक्वल है देन दो सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और अगर जिसकी है ना अगर आपका इक्वल नहीं है, जैसे आपके यहां पे दिख रहा है पाई वन इज ग्रेटर देन पाई टू, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा है जिस वाले सॉल्यूशन की, जैसे यहां पे सॉल्यूशन वन का है ना ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो उसे हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो पाई वन को आप कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्या कहेंगे आप, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और पाई टू को आप कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्या कहेंगे आप पाई टू को, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन राइट। नाम से भी क्लियर है, अगर आपको ये नहीं भी बताया जाता तो आपको पता चल जाता ठीक है। तो अगर दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल तो बोथ सॉल्यूशन आर आइसोटोनिक विद ईच अदर राइट, बोथ सॉल्यूशन आर हाइपोटोनिक विद ईच अदर। लेकिन अगर पाई वन और पाई टू में से वैल्यू छोटी बड़ी हुई, जैसे इस केस में हमने लिया एग्जांपल लिया है कि पाई वन इज ग्रेटर देन पाई टू है, पाई वन की वैल्यू बढ़ा है पाई टू से, तो पाई वन क्या हुआ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और पाई टू क्या हुआ आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन राइट। अगर इसका उल्टा होता, सपोज पाई टू ग्रेटर देन पाई वन होता तो फिर ऐसे हो जाता, अगर पाई टू ग्रेटर देन पाई वन होता, पाई टू ग्रेटर है, अगर अगर ऐसा होता, अगर ऐसा ना हो करके ऐसा होता कि पाई टू ग्रेटर देन पाई वन होता तो क्या होता, पाई टू हो जाता हाइपरटोनिक और पाई वन हो जाता आपका हाइपोटोनिक। यानी जिसकी ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू ज्यादा है वो होगा आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिसकी है ना ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कम है वो होगा आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इट इज एज सिंपल एज दैट राइट। चलिए ये हो गया हमारा, हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पूरा अच्छे से पढ़ लिया। अब हमारे द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर वांट ऑफ फैक्टर, किस पे आ रहा है वांट ऑफ फैक्टर। सर आपने इसका नाम पहले सुना होगा वांट ऑफ फैक्टर का, इंपॉर्टेंट बहुत है वांट ऑफ फैक्टर, तो ध्यान देंगे वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ठीक है आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि आई, आई का आपने बहुत जगह यूज सुना होगा, जो बच्चे बोर्ड देने के बाद लिख रहे हैं उन्होंने न्यूमेरिकल भी किए होंगे इस पे खूब सारे। तो देखिए वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है,
सबसे पहले देखते हैं व्हाट ऑफ फैक्टर की जरूरत क्या है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, अब तक हमने आमतौर पर जो क्वेश्चन किए उसमें हमने सॉल्यूट क्या लिया, जानबूझ के सॉल्यूट, आपके अब तक जो क्वेश्चन लिए जानबूझ के हमने सॉल्यूट क्या लिया, यूरिया लिया, सुक्रोज लिया, ग्लूकोज लिया, इस तरह के सॉल्यूट लिए हमने, ठीक है, यूरिया लिया, सुक्रोज लिया, ग्लूकोज लिया, इस तरह के सॉल्यूट लिए हमने अब तक क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्या होते हैं आपके, ये आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन वोलेटाइल तो नहीं, डोंट वरी, आप कह रहे हो कि तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल तो है लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं, अगर आपके यूरिया है तो कहीं यूरिया के फॉर्म में रहेगा, जैसे आपका यूरिया है, यूरिया इज व्हाट, NH2CO NH2, तो ये आपका डिसोसिएट नहीं होता है, राइट, ना ही एसोसिएट होता है, सिमिलरली आपका सुक्रोज है, ग्लूकोज है, ये सब जो है अपने आयंस में नहीं टूटते, तो अब तक जानबूझ के हमने वो वाले न्यूमेरिकल्स करे जिसमें ना ही आपका सॉल्यूट टूट रहा हो, ना ही आपका जुड़ रहा हो, ना ही आपका डिसोसिएट हो रहा हो, ना ही एसोसिएट हो रहा हो। अब सोच रहे होंगे सर ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन का इससे क्या लेना देना, चलिए ठीक है, अब सॉल्यूशन बना लेते हैं बेचारों को। जैसे आपका पहला नीड ऑफ वांट ऑफ फैक्टर, नीड ऑफ वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर, नीड ऑफ वांट ऑफ फैक्टर, क्या जरूरत होती है वांट ऑफ फैक्टर की उसको हम देख रहे हैं, नीड ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। तो ध्यान दीजिएगा, आपने दो सॉल्यूशन बनाए, फॉर एग्जाम्पल आपने एक सॉल्यूशन बनाया ऐसा और दूसरा सॉल्यूशन बनाया आपने ऐसा, यहां पे भी आपने एक लीटर लिया सॉल्यूशन, यहां भी आपने एक लीटर लिया सॉल्यूशन, बोला है कि इसमें आपने डाला था 1 मोल यूरिया, क्या डाला था, 1 मोल यूरिया, राइट, आपने बोला 1 मोल यूरिया, और यहां पे डाला आपने 1 मोल NaCl, क्या डाला आपने, 1 मोल NaCl डाला, ठीक है। अब क्या हुआ भाई कि आपने यहां पे एक लीटर लिया, एक लीटर का सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, 1 मोल यूरिया डाला और 1 मोल यहां पे क्या डाला आपने, NaCl डाला, राइट, 1 मोल यूरिया डाला था और क्या डाला था आपने, 1 मोल NaCl डाला, ठीक है, 1 मोल यूरिया और 1 मोल NaCl एक लीटर में, बहुत ऑब्वियस है कि कंसंट्रेशन दोनों का सेम है, 1 मोल यूरिया डाला है हमने, ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में और 1 मोल NaCl डाला हमने 1 लीटर सॉल्यूशन में, कंसंट्रेशन ऑफ बोथ सॉल्यूशन आर सेम, कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द सॉल्यूशन, बोथ द सॉल्यूशन, both these solutions are same, concentration of both these solutions are same, right, आप कह रहे हो concentration same, अब वैसे भी आपको easily visible भी है कि 1 लीटर solution में आपने क्या किया है, easily visible भी है कि 1 लीटर solution में आपने 1 मोल यूरिया डाला है, यहां पे आपने 1 लीटर solution में 1 मोल NaCl solution डाला है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि भाई जो colligative property आनी चाहिए दोनों केस में, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोस, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोस व्हिच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट ओनली, राइट, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। आपने बोला कि भाई मैंने 1 लीटर में 1 मोल यूरिया डाला और 1 मोल NaCl डाला, तो दोनों केस में आपने सेम कंडीशन डाली, राइट, आपने 1 मोल यूरिया डाला और 1 मोल NaCl डाला, तो आप यही सोच रहे हो ना कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू आनी चाहिए वो इक्वल आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोस व्हिच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओनली, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोस व्हिच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओनली, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर ही डिपेंड करे। वो आपने दोनों तरफ 1 लीटर लिया और 1 मोल ही सॉल्यूट डाल रहा दोनों में, तो आपने नंबर ऑफ पार्टिकल सेम डाला, ठीक है, आपने ये रखा, तो आपको यही उम्मीद है ना कि पूरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेम आनी चाहिए, राइट। तो अगर आप कैलकुलेट करो, ठीक है, यहां पर मान लिया, यहां पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू माना CP1 मान लिया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 1, यहां पर मान लिया आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 2, तो आपको एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड है क्योंकि आपने क्या बोला है, आपने ये बोला है कि एक्सपेक्टेड क्या है आपका, एक्सपेक्टेड है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या होगी, दोनों केस में इक्वल होगी, एक्सपेक्टेड है ये ना कि CP1 शुड बी ग्रेटर देन CP2, सॉरी शुड बी इक्वल टू CP2, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोस है ना व्हिच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट ओनली, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, तो आपने 1 मोल यूरिया डाला या 1 मोल NaCl डाला, दोनों जगह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम आनी चाहिए, बट इन रियल है ना, इन रियल यहां पे डबल आ जाती है ना, यहां पे क्या होगा, लगभग डबल आ जाएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू, यहां पे आपकी डबल आ जाएगी। अब ये कैसे हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने 1 मोल NaCl डाला, तो हुआ क्या है ना, NaCl आपने 1 मोल डाला, आपने कहा भाई मैंने 1 लीटर में 1 मोल पार्टिकल डाल दिया, लेकिन एक्चुअली सॉल्यूशन में जाके NaCl Na+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है,
यानी कि एक पार्टिकल का दो पार्टिकल हो गया, राइट, एक के साथ एक फ्री, एक पार्टिकल का दो पार्टिकल हो गया, यहाँ पे Na+ और Cl- में टूट गया। तो बेसिक सी बात है, आपने डाला था एक पार्टिकल, आपने डाला था एक पार्टिकल, आपको मिला कितना पार्टिकल, दो पार्टिकल, सॉल्यूशन में जाके कितना मिला, दो पार्टिकल मिला। तो बेसिक सी बात है, आपने वन मोल यूरिया डाला, आपने वन मोल यूरिया डाला तो सॉल्यूशन में जाने के बाद भी वन मोल ही रह गया, वन मोल यूरिया डाला तो सॉल्यूशन में जाने के बाद भी कितना रह गया, वन मोल रह गया। तो यहां तो कोई पलना नहीं हुआ, राइट, लेकिन आपने वन मोल NaCl डाला तो सॉल्यूशन में जाके दो मोल में कन्वर्ट हो गया। अब सॉल्यूशन को तो भाई केवल नंबर से ध्यान देना है, सॉल्यूशन कुछ नहीं जानता कि आपने वन मोल डाला था, सॉल्यूशन आपका जिगरी नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, सॉल्यूशन को ये नहीं पता कि आपने कितना डाला था, सॉल्यूशन को बस दिख रहे हैं कितने पार्टिकल है। अब आपने, है ना, आपने सपोज एक लीटर पानी लिया, आपने वन मोल यूरिया डाला, आपको पता है यूरिया ना ही डिसोसिएट करेगा ना ही एसोसिएट करेगा, तो अगर आपने वन मोल डाला तो इस सॉल्यूशन में वन मोल यूरिया है, सॉल्यूशन को इतना पता है कि यहां वन मोल यूरिया है, राइट। लेकिन अगर आपने इसमें वन मोल NaCl डाला तो NaCl क्या होगा, Na+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाएगा, राइट। तो बेसिक क्या हुआ कि एक पार्टिकल आपका दो पार्टिकल में डिसोसिएट हो रहा है, तो वन मोल आपका टू मोल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड ये है, बट एक्सपेक्टेशन आपकी गलत है। रियलिटी में क्या होगी, एक्चुअली क्या होगा, एक्चुअली जो दूसरे कंटेनर में आएगा, एक्चुअली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 2 आएगी, जो CP2 होगी, वो डबल होगी, वो क्या होगी आपकी, डबल होगी CP1 की, क्या होगी वो, डबल होगी CP1 की, राइट। एक्चुअल जो होगी वो क्या होगी, डबल होगी CP1 की, ठीक है। तो इसी डिस्कशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको देख रहे हैं तो ये यूज है वांट ऑफ फैक्टर का। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या है बेसिकली, वांट ऑफ फैक्टर हमने इसीलिए लाया था कि भाई कोई पार्टिकल डिसोसिएट या एसोसिएट तो नहीं हो रहा, हमको तो भाई दिख रहा है कि भाई हमने वन मोल डाला, लेकिन अगर वो जाके दो पार्ट में टूट गया तो क्या करेंगे, हमको दो वाला फैक्टर तो लेना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है कि जैसे भाई हमने यूरिया डाला हो जाके नहीं टूटा, है ना, यूरिया डाला हो जाके नहीं टूटा तो जो हम सोच रहे हैं वही सही निकला, लेकिन NaCl हमने वन मोल डाला, हमने कैलकुलेशन तो वन मोल के हिसाब से करी, लेकिन वो जाके टू मोल में टूट जा रहा है, ठीक है, वो जाके आपका Na+ और Cl- में टूट जा रहा है, तो वन मोल का दो मोल पार्टिकल बन जा रहा है। तो ये जो हो रहा है, ये जो एबनॉर्मलिटी आ रही है ना, ये जो ऑब्जर्वेशन आ रहा है, इसको देखने के लिए हमको वांट ऑफ फैक्टर काम में लेना पड़ा। वांट ऑफ फैक्टर ये बताता है बेसिकली कि एक पार्टिकल आपका कितने पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है सॉल्यूशन में जाके, एक पार्टिकल आपका कितने पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है। वांट ऑफ फैक्टर आई क्या बताता है कि एक पार्टिकल आपका कितने पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है जाके, राइट। तो ये हो गया नीड ऑफ वांट ऑफ फैक्टर, आप इसको ढंग से एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली ये तो हमको समझ में आ गया कि भाई आपका NaCl एक पार्टिकल जो है, एक पार्टिकल NaCl का एक पार्टिकल सॉल्यूशन में जाके दो पार्टिकल बना रहा है, तो वहां I की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि एक पार्टिकल दो पार्टिकल बना रहा है तो I की वैल्यू हो जाएगी 2। सिमिलरली अगर आप MgCl2 लेते, जैसे NaCl है तो ये क्या कर रहा है, सॉल्यूशन में जाके Na+ और Cl- बना रहा है, ठीक है। हम अज्यूम कर रहे हैं ध्यान देखेंगे, अज्यूम 100% डिसोसिएशन, जब तक आपको मेंशन ना हो कि 100% डिसोसिएशन नहीं है, आप 100% डिसोसिएशन अज्यूम करके चलेंगे बाय डिफॉल्ट। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है क्या है डिसोसिएशन, कितना परसेंटेज है, आपको क्वेश्चन में डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दी है, तो आपको अज्यूम करके चलना है कि 100% डिसोसिएट ही हो रहा है, राइट। तो अभी हम डिसोसिएशन की बात नहीं करेंगे, डोंट वरी, हम आगे इसके डिस्कशन में डिसोसिएशन को भी ले आएंगे फैक्टर में। अभी फिलहाल हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो वो 100% डिसोसिएट हो रहा है बाय डिफॉल्ट। अगर आपका क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, अनलेस एंड अदरवाइज मेंशन, आपको 100% डिसोसिएशन लेके चलना है, राइट। तो NaCl है, NaCl का एक पार्टिकल आपका यहां पे आपका दो पार्टिकल बना रहा है, NaCl का एक पार्टिकल यहां दो पार्टिकल बना रहा है, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की वैल्यू हो जाएगी 2। I की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी, 2, कि किसी भी चीज का एक पार्टिकल आपका कितने पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। किसी भी चीज का एक पार्टिकल आपका कितने पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है, एक पार्टिकल इसका कितने पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है, 2 में, तो I की वैल्यू क्या होगी, 1/2, I की वैल्यू क्या होगी, 2, राइट। अगर आप MgCl2 को देखो, MgCl2 का एक पार्टिकल कितने पार्टिकल में टूटेगा, Mg2+ और 2Cl-, MgCl2 कितने पार्टिकल में टूट रहा है, एक पार्टिकल ये और दो पार्टिकल ये, टोटल 3 पार्टिकल में टूट रहा है। एक पार्टिकल आप MgCl2, वन पार्टिकल आप MgCl2, आपका ब्रेक हो रहा है कितने में, 3 पार्टिकल्स में, तो I की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, I की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, ठीक है, या आप यूं कह सकते हो, ठीक है। और डिसोसिएशन हो रहा है, क्या हो रहा है, केवल डिसोसिएशन हो रहा है,
एमएससीएल आपका टूट रहा है, दो पार्ट में टूट रहा है, एमजीसीएल टू आपका टूट रहा है, तीन पार्ट में टूट रहा है, ऐसा भी हो सकता है ना कि दो पार्टिकल आपस में जुड़े, है ना, उसे हम कहते हैं एसोसिएशन। थोड़ा ध्यान सुनिएगा कि भाई आपने किसी चीज का कहा कि भाई मैंने दो पार्टिकल डाला सॉल्यूशन में, ये दो पार्टिकल डाला सॉल्यूशन में, आप उम्मीद ये कर रहे हो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी, इस दो पार्टिकल के हिसाब से मिलेगी। अब ऐसा हुआ कि सॉल्यूशन में जाके डाइमराइज हो गए, डाइमराइज होने का मतलब क्या हुआ, दोनों मिलकर एक पार्टिकल बना लिए। डाइमराइज मतलब क्या होता है, दो यूनिट का एक साथ जुड़ जाना, दो यूनिट का एक साथ जुड़ जाना। तो अगर ये दोनों पार्टिकल आपने डाला तो दो पार्टिकल, और दोनों पार्टिकल जुड़ के एक हो गए, तो आप ऐसा सोच रहे हो ना कि भाई जो है दोनों पार्टिकल जुड़ के एक हो गए, तो आपने डाला तो एक मोल था, लेकिन वो जुड़ जुड़ के क्या हो गए, एक मोल आधे मोल में कन्वर्ट हो गए, दो पार्टिकल मिलके एक पार्टिकल बना रहे, ठीक है, तो आपका एक मोल क्या हो जाएगा, आपस में एसोसिएट होके आधे मोल में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। एसोसिएशन का भी केस देख लेते हैं, ये तो आपका डिसोसिएशन का था, ये डिसोसिएशन का था। अब जो एसोसिएशन का केस देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने दो मोल्स ए लिए, ठीक है, आपने ए और ए लिया, बेसिकली ए और ए लिया, और ये सॉल्यूशन में जाने के बाद ए टू में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, राइट। तो आपने क्या किया, आपने उम्मीद तो की थी कि दो के हिसाब से बिहेवियर आएगा, लेकिन सॉल्यूशन में जाके एक हो जा रहा है, तो बेसिकली यहां से दो से एक बन रहा है, क्या बन रहा है, दो से एक बन रहा है, दो पार्टिकल एक पार्टिकल बना रहा है। लेकिन वॉल्ट ऑफ फैक्टर मैंने क्या बताया था आपको, वॉल्ट ऑफ फैक्टर मैंने बताया था कि एक पार्टिकल सॉल्यूशन में जाके कितने पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज वॉल्ट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो एक मोल एमएससीएल अगर आपने लिया तो दो मोल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, एक पार्टिकल आपका दो पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है तो वॉल्ट ऑफ फैक्टर टू, एक पार्टिकल आपका तीन पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है तो वॉल्ट ऑफ फैक्टर टू, यहां पे दो पार्टिकल अगर एक पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है तो एक पार्टिकल कितने पार्टिकल में कन्वर्ट होगा, आधे पार्टिकल में कन्वर्ट होगा। तो एक पार्टिकल आपका टूट के दो पार्टिकल बना रहा तो वॉल्ट ऑफ फैक्टर टू, एक पार्टिकल आपका तीन पार्टिकल बना रहा तो वॉल्ट ऑफ फैक्टर थ्री, एक पार्टिकल आपका कितना बना रहा, आधा पार्टिकल बना रहा, तो वॉल्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा आपका हाफ। ये तो हो गए लेमैन लैंग्वेज में या साधारण बोलचाल की भाषा में वॉल्ट ऑफ फैक्टर के डेफिनेशन, राइट। अब अगर इसको फॉर्मुलेट करना हो, फॉर्मुलेट करना कैसे कर सकते हैं, आई का जो फॉर्मूला होता है द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट फॉर्मूला, आई का तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट फॉर्मूला इज, आई का क्या होता है, आई का फॉर्मूला होता है, ध्यान सुनिएगा, आई होता है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, क्योंकि डिसोसिएशन या एसोसिएशन भी हो सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल है ना आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, राइट। तो आई का क्या हुआ फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, राइट। तो ध्यान देंगे बिल्कुल, तो अब इसको इधर से देख लीजिए, फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, देखिए I इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितना जा रहा है NaCl में, अगर आपने एक मोल NaCl लिया था, है ना, बिफोर आपने कितना लिया था, NaCl का केस देख रहे हैं, NaCl के केस में देखें I की वैल्यू क्या होगी, आपने आपने डाला कितना था, एक मोल डाला था, एक मोल टूट गया कितने मोल में, टू मोल्स में, ठीक, एक पार्टिकल आपका दो पार्टिकल बना रहा है तो एक मोल पार्टिकल टूट के कितने मोल पार्टिकल बनाएंगे, दो मोल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितना, टू, नंबर ऑफ पार्टिकल है ना बिफोर डिसोसिएशन इज वन, तो आई इक्वल टू कितना हो गया, आई इक्वल टू हो गया टू। सिमिलरली अगर एमजीसीएल टू के लिए देखो, आई की वैल्यू देखो, ठीक है, तो अगर आपने एमजीसीएल टू को एक मोल लिया, एमजीसीएल टू को एक मोल लिया तो होगा क्या, एक मोल है ना, एक पार्टिकल आपका तीन पार्टिकल बना रहा है आपने अगर एक पार्टिकल डाला था तो सॉल्यूशन में जाके ये तीन पार्टिकल बना रहा है, अगर आपने एक पार्टिकल डाला था तो सॉल्यूशन में जाके कितने पार्टिकल बना रहा है, तीन पार्टिकल बना रहा है, राइट। एक पार्टिकल डाला आपने सॉल्यूशन में जाके कितने पार्टिकल बना रहा है, तीन पार्टिकल बना रहा है, राइट। तो अगर एक मोल डाला था तो सॉल्यूशन में कितने हो जाएंगे, तीन मोल हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितने, तीन मोल, और बिफोर डिसोसिएशन आपने वन मोल लिया था, दैट इज वन, तो आई की वैल्यू यहां से कितने आ गई, थ्री। अब एसोसिएशन का भी केस ले लेते हैं, जैसे आप देखें है ना इस वाले केस, इस पर्टिकुलर केस में देख लीजिए, ए प्लस ए वाले में, ठीक है, ये एसोसिएशन है, तो आई की वैल्यू देखिएगा, यहां पे एसोसिएशन हुआ है, आपने पहले कितना लिया था, आपने पहले लिया सपोज टू मोल्स, आपने पहले लिया टू मोल्स और बाद में हुआ आपका वन मोल, तो आप कह रहे हो कि भाई दो मोल आपका है ना, दो मॉलिक्यूल है ना, ए और ए, ऐसे दो पार्टिकल मिलके, ए और ए जैसे दो पार्टिकल मिलके एक ए टू बना रहे,
दो पार्टिकल मिलके एक पार्टिकल बना रहे, सोच के देखो, दो पार्टिकल मिलके एक पार्टिकल बना रहे, तो दो मोल पार्टिकल कितने बनाएंगे, वन मोल पार्टिकल बनाएंगे, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, सॉरी आफ्टर एसोसिएशन, यहां एसोसिएशन हो रहा है, तो आई इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो यहां पे देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन कितने हैं, एसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, वन मोल, क्योंकि एसोसिएट हो रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल वन, और बिफोर एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल आपने लिए थे टू मोल्स, तो आपका आएगा टू, तो आई की वैल्यू हो जाएगी वन बाई टू। वो तो बहुत ऑब्वियस भी है, क्योंकि आपका जो डिसोसिएशन हो रहा है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं, डिसोसिएशन हो रहा है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर बड़ी यूनिट आ रही है, आफ्टर डिसोसिएशन पार्टिकल बढ़ रहे हैं तो ऊपर बड़ी यूनिट आ रही है, लेकिन एसोसिएशन के बाद क्या हो रहा है, पार्टिकल घट रहे हैं तो छोटी यूनिट आ रही है, तो ये डिसोसिएशन का केस है। क्या है आपका डिसोसिएशन का केस है, डिसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन वन आ रही है, आई की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन वन आ रही है। अगर आपका एसोसिएशन एसोसिएशन तो आई की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन वन आएगी, तो बहुत ऑब्वियस, क्योंकि डिसोसिएशन में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं ना, अगर डिसोसिएट कर रहे हैं, सोच के देखो ऐसा है और जाके डिसोसिएट कर रहा है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं, अगर डिसोसिएट हो रहा है यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं, तो आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे, बिफोर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल कम होंगे, तो ऊपर बड़ी वैल्यू आएगी नीचे छोटी वैल्यू आएगी, तो वन से ग्रेटर जाएगा, और एसोसिएशन में क्या हो रहा है, पार्टिकल घट रहे हैं, तो आफ्टर एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल घट रहे हैं, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन कम होंगे, राइट। एसोसिएशन में क्या हो रहा है, एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज कर रहे हैं, एसोसिएशन में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज कर रहे हैं, तो आफ्टर एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल कम आएंगे और बिफोर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा आएंगे, और बिफोर एसोसिएशन, सोच के देखिए, एसोसिएशन के पहले ये दोनों ऐसे थे, एसोसिएशन के पहले ये दोनों ऐसे थे, और ये आपस में जाके एसोसिएट हो गए, सॉल्यूशन में जाके ये दोनों एक हो गए, तो ये पहले तो दो थे, बाद में एक हो गए, तो एसोसिएशन के बाद एक पार्टिकल और एसोसिएशन के पहले दो पार्टिकल, तो बहुत ऑब्वियस है कि एसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू लेस देन वन आनी है, ठीक है। दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट वन टाइप फैक्टर, ठीक है, तो इसको आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोर्ड पे कुछ कंपाउंड लिख रहा हूं, है ना, अच्छा, एसोसिएशन के लिए जैसे आप सोच रहे होंगे इतनी देर से कि सर आपने तो डिसोसिएशन के इतने सारे एग्जांपल बताए और एसोसिएशन में आपने ए और ए लेके काम कर लिया, क्योंकि डिसोसिएशन के लिए इलेक्ट्रोलाइट बहुत सारे हैं, है ना, और एसोसिएशन बहुत कम मॉलिक्यूल का होता है, किस मॉलिक्यूल का होता है अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, और वो भी तब जब क्वेश्चन में दिया हो तभी आपको कंसिडर करना है, राइट। तो हम बात करेंगे, तो मोस्टली वन टाइप फैक्टर डिसोसिएशन पे ही लगेगा, एसोसिएशन के केसेस बहुत कम है, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। तो आई की वैल्यू निकालिए इन सबके लिए, है ना, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आई, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आई मीन्स वैल्यू ऑफ वन टाइप फैक्टर फॉर द फॉलोइंग कैलकुलेट आई, यानी कि कैलकुलेट आई मतलब कैलकुलेट वन टाइप फैक्टर, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आई फॉर द फॉलोइंग, ठीक है, KCL, है ना, Na2SO4, तीसरा CaCl2, चौथा CHCl, पांचवा Al2SO4 का होल थ्राइस, छठवा AlCl3, सातवा CaSO4, आठवा K2SO4, नौवा, नाइन्थ देखिए, ठीक है, नाइन्थ होगा आपका BaSO4, और टेंथ होगा आपका Na2CO3, ठीक है। आपको आई कैलकुलेट करना है, एज्यूम 100% डिसोसिएशन ना दिया हो तब भी आपको बाय डिफॉल्ट 100% एसोसिएशन मानना है, 100% डिसोसिएशन मानना है, राइट, ना दिया हो तब भी आपको मानना है, तो अज्यूम 100% डिसोसिएशन, राइट, अज्यूम 100% डिसोसिएशन। तो देखिए, आपको बहुत आसानी से पता होगा, सबका होगा, KCl आपका कितने में जा रहा है, K+ और Cl- में जा रहा है, तो एक पार्टिकल आपका दो पार्टिकल बना रहा है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी,
यहां पे आपका एक पार्टिकल है और यहां पे आपका दो पार्टिकल है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन इज टू, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन इज वन, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी टू। वैसे तो इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती नहीं मैक्सिमम बच्चों को, वो नंबर आप आए नहीं देख लेते हैं। जैसे आप देखो केसीएल को देखो, केसीएल टूटेगा दो पार्ट में, के प्लस और सीएल माइनस में, केसीएल आपका टूटेगा दो पार्ट में, के प्लस और सीएल माइनस में, तो आपको पता है यहां पे एक पार्टिकल दो पार्टिकल बनाने हैं, तो आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल टू, बिफोर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल वन, तो आई की वैल्यू हो गई टू, राइट, तो टू अपॉन वन इज टू। ठीक है, यहां पर देखिए Na2SO4 के साथ क्या होगा, Na2SO4 आपका टूटेगा 2Na प्लस और SO4 माइनस माइनस में, Na2SO4 किस में टूटेगा 2Na प्लस में और SO4 माइनस माइनस में। तो अगर आप इसका एक पार्टिकल इमेजिन कर रहे हैं, अगर आप Na2SO4 का एक पार्टिकल इमेजिन कर रहे हैं, तो ये कितने पार्टिकल बनाएगा, इधर आपके दो और इधर आपका एक, राइट, एक पार्टिकल आपका कितने पार्टिकल टूट रहा है, दो प्लस एक कितने पार्टिकल में, तीन पार्टिकल में, राइट, Na2SO4 इज डिसोसिएटिंग इनटू 2Na प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस। ठीक है, तो दो पार्टिकल ये और एक पार्टिकल ये, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन इज 3, बिफोर इज 1, तो I इज इक्वल टू होगी 3 आपकी। सिमिलरली आपका CaCl2 में देखो, CaCl2 टूटेगा आपका कैल्शियम 2 प्लस प्लस 2Cl माइनस में, राइट, कैल्शियम 2 प्लस प्लस 2Cl माइनस में, तो एक पार्टिकल यहां पे, एक पार्टिकल आपका यहां पे तीन पार्टिकल में टूट रहा है, एक कैल्शियम 2 प्लस और दो क्लोरीन माइनस, कितने पार्टिकल, तीन पार्टिकल। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ऊपर का मिटा देता हूं मैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, CaCl2 पर क्या कैल्शियम 2 प्लस प्लस 2Cl माइनस में टूट रहा है, एक पार्टिकल आपका कितना पार्टिकल बना रहा है, तीन पार्टिकल बना रहा है, एक पार्टिकल आपका कितने पार्टिकल बना रहा है, 3, एक Ca2 प्लस फिर 2Cl माइनस, Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, एक पार्टिकल आपका बना रहा है 3 पार्टिकल, तो आई की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, आई विल बी नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन 3, बिफोर डिसोसिएशन 1, तो 3/1 इज इक्वल टू 3। आपको दिख भी रहा होगा क्लियरली, मुझे ज्यादा इसको इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली आपका CS प्लस CL माइनस में टूटेगा, एक पार्टिकल आपका दो पार्टिकल में टूट रहा है, तो आई की वैल्यू होनी चाहिए 2, या आप चाहो तो ऐसे कर लो, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन इज 2 अपॉन बिफोर डिसोसिएशन इज 1, तो आई की वैल्यू हो गई आपकी 2। यहां पर आपको दिख रहा होगा एक पार्टिकल, देखिए Al2SO4 और थ्राइस है, तो देखिए किसमें टूटेगा, 2Al3 प्लस में, 2Al3 प्लस में प्लस SO4 प्लस 3SO4 में, प्लस 3SO4 2 माइनस में टूटेगा, यानी कि दो पार्टिकल ये, ठीक है, और तीन पार्टिकल ये, कितने पार्टिकल में टूटा है, 5, एक पार्टिकल आपका 5 पार्टिकल में टूटा, तो आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आई की वैल्यू होनी चाहिए 5, आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 5। लेकिन आप चाहो तो ऐसे भी कह सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन इज 5, 3 प्लस 2 अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन इज 1, आई इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 5 आ गया। AlCl3 के लिए देखो, तो एक इसमें टूटेगा Al3 प्लस में और 3Cl माइनस में, 3Cl माइनस में, AlCl3 आपका टूटेगा Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस में। यहां पे अगर आई की वैल्यू देखोगे, एक पार्टिकल आपका कितने पार्टिकल बना रहा है, 4 पार्टिकल बना रहा है, एक पार्टिकल आपका कितने पार्टिकल बना रहा है, 4 पार्टिकल बना रहा है, तो आई की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, 4। लेकिन आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन इज 4, 1 प्लस 3, और बिफोर डिसोसिएशन इज 1, तो आई की वैल्यू हो गई आपकी 4। सिमिलरली CSO4 को देखो, तो कैल्शियम 2 प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, तो देखिए एक पार्टिकल आपका कितना पार्टिकल बना रहा है, दो पार्टिकल बना रहा है, एक पार्टिकल अगर दो पार्टिकल बना रहा है, तो आई की वैल्यू होनी चाहिए 2, आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2, राइट, आई की वैल्यू होगी 2। तो यहां और भी लिख सकते हैं आप, आई इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन इज 2, बिफोर डिसोसिएशन इज 1, तो आई की वैल्यू हो गई 2। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका 2k प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, आई की वैल्यू आफ्टर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल, 3 पार्टिकल, और बिफोर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल, 1 पार्टिकल, आई की वैल्यू हो गई आपकी 3। ठीक है, BSO4 को देखो, BSO4 को देखो किसमें टूटेगा, Ba2 प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन इज 2, बिफोर डिसोसिएशन इज 1, राइट, तो आई की वैल्यू हो गई आपकी, आई की वैल्यू हो गई आपकी 2/1, राइट। Na2CO3 को देखो, Na2CO3 को देखो, तो एक इसमें टूटेगा 2Na प्लस में और कार्बोनेट आयन में, CO3 2 माइनस में टूटेगा,
तो नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन इज वन, आफ्टर डिसोसिएशन इज 2 + 1 = 3। आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन इज 3, 2 + 1 = 3 और बिफोर डिसोसिएशन इज 1, आई की वैल्यू हो गई आपकी 3/1। सिमिलरली एक एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूं, जो आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा है तो देखिए, अदरवाइज आप उसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ोगे। ये जो एग्जांपल देने जा रहा हूं आपको, 11th एग्जांपल देखिए, K4FeCN6 देखिए, K4FeCN6 ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, ये क्या है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अगर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हुआ है तो आपको ये समझ में आएगा, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं हुआ है तो पेशेंस रखें, जब आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो जाएगा तो आपको ये वाला एग्जांपल समझ में आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो देखे नहीं होते, अगर ये वाला आपने नहीं देखा तो आपको लगेगा कितने डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखा होगा तो ये आपको चुटकी का खेल है जैसे, ये आपको आसान लगा होगा। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं देखा होगा तो वेट कर लें, जब आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो आपको ये आ जाएगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो इसमें ये कौन सा वाला पार्ट है, है ना, ये आपका एनालाइजेशन स्फीयर वाला पार्ट है या नहीं, ये आपका क्या है, सॉरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट है, ये आपका किसका पार्ट है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट। तो ये किस में टूटेगा, ये टूटेगा आपका 4K+ में, क्योंकि ये वाला पार्ट टूटता है, एनालाइजेशन स्फीयर वाला पार्ट टूटता है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट नहीं टूटता है। ये कौन सा वाला पार्ट है, ये पार्ट है आपका एनालाइजेशन स्फीयर वाला, तो ये पार्ट टूटेगा 4K+ में और अंदर वाला पार्ट टूटेगा नहीं। अंदर वाला पार्ट कैसे निकलेगा आपका, FeCN6 4-, ठीक है। तो टोटल पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितना आया आपका 4, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड K4FeCN6, ये टूटा कैसे, टूटा K4FeCN6 आपका टूटेगा किस तरीके से, ये टूटा आपका 4K+ में प्लस FeCN6 4- में, राइट, 4K+ में प्लस FeCN6 4- में, यानी कि 4 + 1 टोटल पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन 5। हम यहां से भी देख सकते थे 4 और 1, टोटल पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन इज 5 और बिफोर डिसोसिएशन इज 1। बिफोर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल, एक पार्टिकल, आफ्टर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल, 5 पार्टिकल। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन 5, बिफोर डिसोसिएशन 1, आई की वैल्यू हो गई 5। तो इस एग्जांपल को लेकर जो लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं पढ़े हैं वो भूल जाए कि ऐसा कुछ बताया अभी, है ना, वरना आप सोचते रहोगे कि ये क्या बताया कैसे बताया। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर पढ़े हैं तो आपको एग्जांपल समझ में आएगा, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं पढ़े तो आपको ये वाला एग्जांपल नहीं समझ में आएगा, इट इज एज सिंपल एज दैट। और डोंट वरी, जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ लेंगे तो ये वाला एग्जांपल बहुत, है ना, चुटकी का एग्जांपल है, बहुत आसान एग्जांपल है, तो आप इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अच्छा अब बताइए, जैसे मान लीजिए कि हम फिर से उसी डिस्कशन को चालू करते हैं, ठीक है, फिर से उसी डिस्कशन को चालू करते हैं जो हमने लास्ट, है ना, अभी थोड़ी देर पहले खत्म की थी, कि हमने कहा था कि NaCl क्या था आपका, 1 मोल NaCl डाला था आपने 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो मैंने आपको यही कहा था, ठीक है, मैंने 1 मोल NaCl डाला और 1 लीटर आपने सॉल्यूशन दिया, तो आपने देखा कि भाई थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, है ना, तो आपने देखा कि 1 मोल NaCl जो आपने 1 लीटर सॉल्यूशन में डाला, 1 लीटर 1 मोल NaCl आपने 1 लीटर सॉल्यूशन में डाला, तो आपने ऑब्जर्व किया कि जो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो कितने टाइम से, NaCl के टाइम से आपने उम्मीद की थी, सपोज कुछ उम्मीद की थी आपने एक्स, ठीक है, आपने उम्मीद की थी कि अगर 1 मोल NaCl डाला हो 1 लीटर सॉल्यूशन में, राइट, अब आप ये मत बोल देना कि सर वन टॉप फैक्टर हमें पहले से पता है, मैंने पहले ज्यादा उम्मीद की थी, मैं वो बात बता रहा हूं कि जिसको वन टॉप फैक्टर नहीं मालूम, ठीक है। तो 1 मोल NaCl जो हमने डाला 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो हमने क्या सोचा कि सॉल्यूशन के पास कितने मोल पार्टिकल, 1 मोल पार्टिकल है, बट एक्चुअली सॉल्यूशन में जाके क्या हो रहा है, 2 मोल पार्टिकल बना ले रहा है, क्या बना रहा है, 2 मोल बना ले रहा। तो हमने सोचा तो ये था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की कुछ वैल्यू होगी, सपोज एक्स होगी, हमने सोचा क्या था, ये सोचा था हमने, ये हमने सोचा था, राइट, ये हमने सोचा था,
हमने सोचा था कि भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी, x होगी, क्योंकि हम क्या डाल रहे हैं, 1 मोल NaCl डाल रहे हैं 1 लीटर पानी में, 1 मोल NaCl डाला 1 लीटर पानी में, हमने सोचा कि यहां पे किसी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू, आप किसी को भी ले लो, ठीक है, उसकी वैल्यू होगी x, x होगी। लेकिन सॉल्यूशन में जाके 1 मोल NaCl आपका 2 मोल में टूट जा रहा है, i की वैल्यू आपकी 2 हो जा रही है, 1 मोल ले रहा है, सॉल्यूशन में जाके 2 मोल बना दे रहा है, 2 मोल पार्टिकल बना दे रहा है। अगर ये सॉल्यूशन में जाके 2 मोल पार्टिकल बना दे रहा है ना, इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी जो ऑब्जर्व होगी वो हमारे सोर्स से डबल होगी, तो 2 इंटू थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, 2 इंटू थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, 2 इंटू थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, जो हम थ्योरेटिकल सोच रहे हैं, है ना, थ्योरेटिकली हम जितना सोच रहे हैं उससे जो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो डबल होगी, राइट। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगी वो आपकी क्या होगी, डबल हो जाएगी, क्योंकि ये दो पार्ट में टूट रहा है, ये तो NaCl का केस है, राइट। अगर आप कोई और लेते तो वहां आई की वैल्यू आती, तो बेसिकली आई टाइम्स हो जा रहा है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हो रही है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हो रही है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हो रही है वो आपकी आई टाइम्स हो जा रही है, किसकी, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के, राइट। थ्योरेटिकली आपने जितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सोची थी NaCl के केस में देख लीजिए, थ्योरेटिकली आपने जितनी सोची थी, आपने क्या सोचा था कि 1 मोल NaCl हमने 1 लीटर सॉल्यूशन में डाला तो थ्योरेटिकली कुछ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आनी चाहिए थी, बट हुआ क्या, हुआ ऐसा कि 1 मोल जो सॉल्यूशन है आपका, 1 मोल जो आपका NaCl है वो एक्चुअली में जाके 2 मोल में टूट जा रहा है, तो अब सॉल्यूशन को तो ये नहीं पता कि आपने 1 मोल डाला था, सॉल्यूशन तो उसे 2 मोल की तरह देखेगा, राइट, सॉल्यूशन से 2 मोल की तरह देख रहा है, तो आपने अगर उम्मीद की होगी x, तो आपका एक्चुअल कितना होगा x, है ना, 2x होगा, एक्चुअल कितना होगा 2x होगा, तो आपने थ्योरेटिकली कितनी सोची थी, थ्योरेटिकली आपने सोची थी x, पर आपको ऑब्जर्व कितना हुआ, ऑब्जर्व कितना हुआ 2x हुआ NaCl के केस में, ठीक है, NaCl के केस में आपने, है ना, सोचा था 1 और मिला आपको 2, है ना, यानी कि आपने थ्योरेटिकली सोची थी x, ऑब्जर्व हुआ आपको 2x, राइट। अगर MgCl2 के लिए सोचो, है ना, हम सोचते हैं MgCl2 के लिए, ठीक है, अब MgCl2 है, इसका आपने 1 मोल डाला, MgCl2 का 1 मोल डाला, आपको पता है MgCl2 किस में टूटता है, Mg2+ 2Cl- में टूटता है, Mg2+ 2Cl- में टूटता है, यानी कि एक MgCl2 आपका 3 में टूट रहा है, तो 1 मोल कितने में टूटेगा, 3 मोल में टूटेगा, कितना टूटेगा, 3 मोल्स में टूटेगा, यानी आपने सोची थी x, लेकिन एक्चुअली कितनी मिली, 3x मिली, है नहीं, यानी कि आपने यहां सोची x और मिली 2x, यहां सोची आपने x और मिली 3x, एक्चुअल जो है, क्योंकि वो 3 पूरे पार्टिकल में टूट जा रहा है, i पार्टिकल में टूट रहा है, राइट, i की वैल्यू इसी बताने के लिए, ये फैक्टर क्या, i है, तो बेसिकली ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज व्हाट, जो आपने एक्चुअली ऑब्जर्व करी, है ना, जैसे NaCl के केस में देख लीजिए, NaCl के लिए i की वैल्यू क्या थी, 2, और MgCl2 के लिए i की वैल्यू क्या थी, MgCl2 के लिए i की वैल्यू थी 3, NaCl के लिए i की वैल्यू 2 और MgCl2 के लिए i की वैल्यू 3, तो जो आपको ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो i टाइम्स थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो आप एक्चुअली ऑब्जर्व कर रहे हो वो i टाइम्स थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, राइट। जैसे आप NaCl के केस में देख लो, एग्जांपल NaCl के केस में देख लो, तो जो ऑब्जर्व कर रहे हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपका क्या है, 2 टाइम्स थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, 2 टाइम्स थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, है ना। आप MgCl2 के लिए देख लो, जो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट। यानी कि बेसिकली आई फैक्टर आपको लगाने के लिए, तो यहां पे आपको आई फैक्टर लगाना ही पड़ेगा ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, राइट। तो अब इसको नोट करिए, फिर हम फाइनल फॉर्मूले में पहुंचते हैं आई के, ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, कायदे से इसको समझ समझ के करना है। मैं आपको फॉर्मूला नोट करा था, तो फॉर्मूला मैं सिर्फ बता सकता था, अब देखेंगे जनरल बुक में इसका डायरेक्टली फॉर्मूला दिया हुआ, फॉर्मूला बताना बहुत आसान है, बट इसको महसूस करके, एक्चुअली फील करके कि ये कैसा हो रहा है वो करेंगे तो आपको और ज्यादा मजा आएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं,
चलिए ध्यान दीजिएगा, हमारा क्या निकला, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू आई इंटू थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ऑब्जर्व का एक और नाम है, ऑब्जर्व का नाम है आपका ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आपका एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि जो एक्चुअल है वही तो आपको निकल रहा है, आप कहते हो एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट, एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू आई इनटू थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना, ऑब्जर्व को आप एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हो, राइट, या आप इसे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हो, क्या कहते हो आप इसको, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट। इसके इतने नाम है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली भी आपको ये ऑब्जर्व होगी एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जो आपको ऑब्जर्व हो रहा है, जो आपको ऑब्जर्व हो रहा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या आप इसे कह सकते हो एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो एक्चुअली में है, या आप कह सकते हो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या आप कह सकते हो एक्सपेरिमेंटली जो आपने ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज इक्वल टू आई टाइम्स थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल के भी बहुत सारे नाम है, थ्योरेटिकल के नाम है आपके थ्योरेटिकल, और आप कह सकते हो यहां पे कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या आप कह सकते हो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या कह सकते हो, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहां से आई का एक और फॉर्मूला बन जाता है। तो यार इतने नाम से कंफ्यूज नहीं होना, नाम से थोड़ी ना कुछ ले देना है, आपको बात समझ में आई कि नहीं, बात क्या थी हमारी उस पर आते हैं, ये नाम भूल जाओ अभी। बात यह थी कि जो आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होगी, वो हमने एग्जांपल लेके भी देख लिया NaCl और MgCl2 का, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें ऑब्जर्व हो रही है, राइट, NaCl और MgCl2 के एग्जांपल में हमने देखा था कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व हो रही है दैट इज आई टाइम्स थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब जो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो एक्चुअली हमें ऑब्जर्व हो रही है दैट इज एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसे एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं, या एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं, है ना। थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आप कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हो, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हो। यहां से अगर आई आप लिखना चाहो तो आप क्या लिख रहे हो, आप लिख रहे हो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू आई टाइम्स थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहां से आप आई क्या लिख सकते हो, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट। अब ऑब्जर्व को क्या बोलते हो, ऑब्जर्व को आप एक्चुअल भी बोलते हो, या आप इसे एबनॉर्मल भी बोलते हो, या आप इसे एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हो, क्या बोलते हो, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इतने सारे नाम है इसके, चाहे तो आप ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलो, चाहे तो एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलो, चाहे तो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलो, चाहे एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलो, है या नहीं, या आप इसको थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलो, या आप इसे कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलो, या इसे आप नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आपको नाम मिलेंगे, उससे कुछ नहीं करना आपको, आपको बात समझ में आ गई आई वाली, ठीक है। इसीलिए फॉर्मूला कई जगह ऐसे भी लिखा हुआ मिला होता है कि आई इज इक्वल टू एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट। एबनॉर्मल क्या आपको एक्चुअली में मिली, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मली आपने सोची क्या थी, एबनॉर्मली आपको मिला क्या, नॉर्मली नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब हुआ नॉर्मली आपने सोची क्या थी और आपको मिला क्या, राइट। आई की वैल्यू ये हो गई, आसान सी बात है, तो आप इसको नोट करिए। तो बेसिक सी बात है कि जो आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होगी दैट इज आई टाइम्स थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आप एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हो, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हो, या आप एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हो, और थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आप कैलकुलेटेड या नॉर्मल भी बोलते हो, राइट। आई का फॉर्मूला हमने निकाल लिया, ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल, यहां से आपका आई इक्वल टू एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी आ गया। तो आप इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हुआ क्या, ठीक है, अब हुआ क्या, अब आपने बोला कि
भाई देखिए, आपने अभी बोला कि ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू आई टाइम्स कैलकुलेटेड, या थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हो आप, आई टाइम्स थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हो, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल टू आई टाइम्स थ्योरेटिकल, तो ऑब्जर्व जो एक्चुअल है ना, एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है दैट इज इक्वल टू आई टाइम्स थ्योरेटिकल। अब यहां से देखें, एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि आपको अगर पाई एक्चुअल निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर एक्चुअल निकालना है, तो दैट इज इक्वल टू आई इनटू थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। थ्योरेटिकली पाई किसके इक्वल होता है, आप अगर कैलकुलेट करते हो थ्योरेटिकली किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है आपका एनबी अपॉन वी आर टी के इक्वल होता है, राइट। तो पाई इज इक्वल टू आई इंटू एनबी आर टी। आपने क्या कहा, आपने कहा कि भाई जो आपका ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा वो आई टाइम्स होगा थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या आप कह सकते हो आई टाइम्स कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो जो एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है यानी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू है पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर की जो पाई की वैल्यू है वो एक्चुअली कितनी आएगी, आपने सोची तो इतनी थी। पाई आप कैसे निकालते थे, जब आप पाई निकालते थे किसी सॉल्यूशन के लिए, है ना, मान लो मैंने कहा आपको, मान लो मैंने कहा कि 1 मोल NaCl के लिए पाई निकालो, मान लो मैंने कहा आपको 1 मोल NaCl के लिए पाई निकालो, ठीक है। आपने कहा भाई, है ना, पाई इज इक्वल टू NB अपॉन V RT, राइट, आपने इतना सोचा, ठीक है, और आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब जो एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी वो इसकी डबल आएगी, क्यों, क्योंकि 1 मोल आपका 2 मोल में टूट जा रहा है, 1 मोल आपका क्या आ रहा है 2 मोल में टूट जा रहा है, तो आपने कैलकुलेट तो इतना किया, लेकिन एक्चुअली जो प्रॉपर्टी आएगी उसकी डबल आएगी, यानी कि इसकी आई टाइम्स आएगी। टू क्या है आपका, NaCl के लिए आई की वैल्यू, राइट। तो इस चीज को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं आपकी, कि जैसे आपने आपने कहा 1 मोल NaCl है, 1 मोल NaCl है, ठीक है, वैसे तो एग्जांपल हमने फिर एक बार और ले लिया है, तो 1 मोल NaCl आपका क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, तो 1 मोल जो है आपका, 1 मोल जो है आपका यहां पे कितने मोल बना रहा है, 2 मोल बना रहा है, 1 मोल कितना बना रहा है, 2 मोल बना रहा है। तो अगर आपने 1 मोल NaCl से पाई कैलकुलेट किया तो पाई कितना आएगा आपका, पाई आएगा आपका NB अपॉन VRT, ये आपने कैलकुलेट किया, राइट, ये हमारा क्या कैलकुलेटेड वैल्यू कैलकुलेटेड है। सिमिलरली आप MgCl2 को देखो, MgCl2 को देखो, आपने कहा 1 मोल MgCl लिया, MgCl2 लिया, इसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वी आर टी। अब एम बी की वैल्यू कितनी है, 1 है, एम बी की वैल्यू कितनी ली हमने, 1 मोल लिया है, दैट कम्स आउट टू बी आपका पाई इज इक्वल टू कितना जाएगा आपका, एक मिनट, पाई इज इक्वल टू कितना जाएगा, यहां से पाई इक्वल टू आ जाएगा आर टी बाई वी, पाई इज इक्वल टू आर टी बाई वी आ जाएगा, राइट, पाई इज इक्वल टू आर टी बाई वी आ जाएगा, क्योंकि एम बी की वैल्यू क्या है, 1 है, हमने 1 मोल लिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने 1 मोल लिया है, 1 मोल एम जी सी एल टू लिखा है, तो यहां पे पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई विल बी इक्वल टू आर टी बाई वी, क्योंकि आपने क्या किया है, एमबी की वैल्यू 1 ले लिया है, है ना। तो ये आप सोच रहे हैं कितना आएगा, ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप सोच रहे हैं, राइट, ये आप सोच रहे हैं कितना आएगा, इस केस में इतना आएगा और इस केस में इतना आएगा, पर एक्चुअली क्या होगा, एक्चुअली ऐसा होगा कि ये एक मोल पार्टिकल नहीं है, ये टूट रहा है कितने पार्टिकल में, 2 मोल पार्टिकल में टूट रहा है, कितने पार्टिकल में टूट रहा है, 2 मोल पार्टिकल में टूट रहा है। तो पाई आपका कितना होगा, पाई जो एक्चुअल होगा, पाई जो एक्चुअल होगा वो आपका कितना होगा, 2 इंटू, है ना, तो आपका एनबी बाई आर टी इंटू बी, एनबी बाई वी आर टी है आपका। तो जो एक्चुअल है आपका 1 मोल है ही नहीं है, ये टूटने पे कितना बना रहा है, 2 मोल बना रहा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, 2 होंगे। तो पाई जो एक्चुअल आ रहा है, पाई जो एक्चुअल आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका, 2 इंटू आर टी बाई वी। तो आपने सोचा तो आर टी बाई वी था, लेकिन एक्चुअल कितना आ रहा है, 2 इंटू आर टी बाई वी, है ना। यहां पे देखिए, आपने सोचा तो RT by V है, लेकिन ये 1 मोल कितने मोल में टूटेगा आपका, Mg2 plus plus 2 Cl minus में 1 मोल आपने सोचा है, लेकिन ये सॉल्यूशन में जाके कितने पार्टिकल में टूट जाएगा, ये सॉल्यूशन में जाके आपके 3 मोल पार्टिकल में टूट जाएगा, कितने में टूट जाएगा, 3 मोल में। तो 1 मोल ऑफ MgCl2, 1 मोल ऑफ MgCl2 कितना बनाएगा आपका, 3 मोल्स ऑफ Mg मतलब पार्टिकल बनाएगा, राइट। MgCl2 आपका टूटेगा किसमें, Mg2 plus plus 2 Cl minus में 1 मोल आपका कितने में टूटेगा, MgCl2, है ना, आपका टूटा Mg2 प्लस में 2 Cl माइनस में,
एक पार्टिकल आपका तीन पार्टिकल बना रहा है, तो वन मोल पार्टिकल कितना बनाएगा, तीन मोल पार्टिकल बनाएगा। तो पाई की वैल्यू क्या होती, पाई की वैल्यू होती एनबी बाई आर टी, जो नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन एक्चुअली देख रहा है वो आपका थ्री है, तो पाई इक्वल टू थ्री आर टी बाई वी। तो देखिए आपने यहां देखिए एमजीसीएल टू के लिए आई की वैल्यू क्या होती है थ्री, और एनएससीएल के लिए आई की वैल्यू क्या होती है टू, ठीक है। तो आपने सोचा क्या था, यहां होगा आपका आर टी बाई वी, लेकिन एक्चुअली कितना हो रहा है टू आर टी बाई वी हो रहा है, राइट। यहां आपने सोचा कितना था आर टी बाई वी, और एक्चुअली कितना हो रहा है थ्री आर टी बाई वी हो रहा है, यानी कि आई का मल्टीप्लाई हो रहा है वन टॉप फैक्टर का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आप जो एक्चुअल लिखोगे पाई एक्चुअली जो होगा, तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर एक्चुअल ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, वो क्या होगा आई इंटू एन बी बाई आर टी बाई बी होगा, है ना। एन बी आपका क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। सिमिलरली आपका डेल्टा टी बी क्या होगा, डेल्टा टी बी विल बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, होता क्या था डेल्टा टी बी होता कितना था के बी इंटू एम, और डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। और आपको हर जगह यही फॉर्मूला लगाना है, आप सोच रहे हो कि जब सर हर जगह यही फॉर्मूला लगाना है तो अब तक आप आई लगवाते क्यों नहीं थे, ठीक है। वो आई कहां गया, जब तक हमने क्वेश्चन गए कहां गए वो वादे, ठीक है। तो सोच के देखिए अब तक मैंने किस पे क्वेश्चन लगाया, यूरिया पे लगवाया, ग्लूकोज पे लगाया, सुक्रोज पे लगाया। यूरिया को देख लेते, यूरिया को देखो, अब यूरिया आपने वन मोल लिया, वन मोल लिया, ठीक है, यूरिया आपने वन मोल लिया, यूरिया आपका वन मोल से सॉल्यूशन में जाके वन मोल ही रह जाएगा, क्योंकि यूरिया ना ही एसोसिएट होता है ना ही डिसोसिएट होता है, यूरिया आपका ना ही एसोसिएट होता है ना ही डिसोसिएट हो रहा है। तो यूरिया के लिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू होती क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो यूरिया के लिए आई की वैल्यू आई वन बाई वन, दैट इज वन। आई की वैल्यू यूरिया के लिए कितनी आ गई वन। सुक्रोज के लिए देखो, सुक्रोज के लिए देखो, यानी कि सी ट्वेल्व एस ट्वेंटी टू ओ इलेवन के लिए देखो, ये आपका वन मोल अगर लिया आपने, इसको आपने वन मोल लिया तो ये सॉल्यूशन में जाके ना ही टूटेगा ना ही जुड़ेगा, तो वन मोल आपका वन मोल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आई इक्वल टू क्या नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, तो आई की वैल्यू इसके लिए भी वन, ठीक है। और अगर आप ना ग्लूकोज के लिए देखो, ग्लूकोज के लिए देखो, तो ग्लूकोज का भी यही हाल है, ना ही वो टूटता है ना ही एसोसिएट होता है, तो वन मोल आपका कितने में जाएगा, वन मोल में जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या होगी वन। आई की वैल्यू वन, अब तक हमने जानबूझ के ऐसे केसेस लिए थे जहां पे आई की वैल्यू क्या हो वन हो, राइट। और आई की वैल्यू वन हो तो आई को लेने की जरूरत नहीं, अगर आई की वैल्यू वन है तो आई को लेने की जरूरत नहीं। तो अब तक हमने ये वाले क्वेश्चन किए है ना, जहां पे पार्टिकल ना ही टूट रहे ना ही आपके जुड़ रहे, ना ही पार्टिकल टूट रहे ना ही जुड़ रहे, तो आई की जरूरत ही नहीं। अगर पार्टिकल टूट भी नहीं रहे जुड़ भी नहीं रहे, पार्टिकल टूट नहीं रहे जुड़ भी नहीं रहे, इसका मतलब ना ही पार्टिकल जाके टूट रहे ना ही जुड़ रहे, यानी आप पहले से जानते हो कि अगर आपने एक मोल डाला है तो सॉल्यूशन में जाके भी एक मोल ही रहने वाला है। मैंने कहा कि भाई अगर पार्टिकल टूट नहीं रहे जुड़ नहीं रहे तो हमें आई की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये पार्टिकल अगर हमने वन मोल डाला है तो सॉल्यूशन में जाके भी वन मोल रहने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर तो ठीक है, अगर देखो मान लो कि अगर हमको आई कंसिडर भी करना है, सोच के देखो हमने आई की वैल्यू निकाल ली, हमने आई की वैल्यू सबके लिए निकाल ली, आई की वैल्यू कितनी आई वन आई, अगर आई की वैल्यू वन आई है तो अगर आप आई की वैल्यू वन पुट करोगे तो वही आ जाएगा जो हमने पहले किया था, राइट। लेकिन याद रखो हमें हर जगह आई की वैल्यू लेनी ही लेनी है, ठीक है। अब जहां भी हम यूज करेंगे आई की वैल्यू के साथ यूज करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालेंगे तो आई की वैल्यू के साथ निकालेंगे, है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे तो आई की वैल्यू के साथ निकालेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे तो आई की वैल्यू के साथ निकालेंगे। अब वो बात अलग है कि इन केस में आई की वैल्यू वन आ जाएगी तो सिंपल वो पहले वाले केस हो जाएंगे, और आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर भी है कैसे हुआ था, राइट। तो हम अभी तक ये वाला फॉर्मूला लगा रहे थे क्योंकि अभी तक जितने एग्जांपल हमने लिए थे आई की वैल्यू क्या थी वहां वन थी, ठीक है। अब हम आई की वैल्यू अलग अलग पे भी क्वेश्चन करने जा रहे हैं, राइट। तो रेडी है न्यूमेरिकल्स के लिए, अब इसको नोट कर लीजिए फिर हम आगे देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, जब तक आपको क्वेश्चन में मेंशन ना हो आपको ये मान के चलना है कि आपका 100% डिसोसिएशन है, उसमें कोई डाउट नहीं है, आपको मान के चलना है 100% डिसोसिएशन है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व्ड इन
MSCL is dissolved in 500 gram of water. 58.5 gram of NaCl is dissolved in 500 gram of water. ऐसा करके, ठीक है? आपको calculate क्या करना है? Calculate delta TB. यानी कि elevation and boiling point. Delta TB पूछ रहा है. आपको पता है delta TB क्या होती है? Delta TB is equal to होता है आपका. क्योंकि actually कितना हो रहा है वो आपको देखना है. Delta TB होता है आपका I into KB into M. जहां पे I क्या आपका water factor. तो आप सोच रहे होंगे अब तक ऐसा क्यों नहीं लगाया रहते, क्योंकि अब तक जो है हमने क्या लिया था, अब तक हमने यूरिया लिया था, अब तक हमने सुक्रोज लिया था, अब तक हमने ग्लूकोज लिया था, और सबके लिए क्या था, I की वैल्यू 1 थी. इफ I इज इक्वल टू 1 है ना, अगर आपका I इज इक्वल टू 1 है, सोच के देखिए इसको, इस क्वेश्चन से ना देखते हैं कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या है. डेल्टा टी बी इज इक्वल टू है आई इंटू के बी इंटू एम. अगर आई इज इक्वल टू एन किसके लिए होता है, I इक्वल टू 1. अगर आप देखो यूरिया को तब भी I इज इक्वल टू 1 होता है यूरिया के लिए. अगर आप सुक्रोज के लिए देखो तो भी I इज इक्वल टू 1 होता है. अगर आप ग्लूकोज के लिए देखो तब भी I इज इक्वल टू 1 होता है. हमने भी प्रूव कर लिया. तो अगर I इज इक्वल टू एम 1 है, इफ I इज इक्वल टू 1 देन डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या, के बी इंटू एम. पर अब तक हम यही फॉर्मूला लगाते हैं क्योंकि I की वैल्यू क्या थी, 1 थी. लेकिन अब जब भी हमको लेना है तो I की वैल्यू के साथ लेना है, राइट. तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू I इंटू के बी इंटू एम. तो डेल्टा टी बी कितना हो जाएगा वॉटर के लिए, वाटर के लिए केबी की वैल्यू क्या होती है, 0.52 केल्विन केजी पर मोल. क्वेश्चन में दिया रहेगा बट आप याद रखो. तो देखिए आई एनएसएल के लिए आई कितना होता है, एनएसएल के लिए आई की वैल्यू क्या होती है, हजार बार देख चुके हम. तो एनएसएल दो पार्टिकल में टूटता है, एनए प्लस और सीएल माइनस. नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन 2, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन 1. तो आई की वैल्यू हुई 2. आई की वैल्यू एनएसएल के लिए हुई 2. फॉर एनएसएल आई इज इक्वल टू 2. तो आपने लिखा 2. केबी की वैल्यू है 0.52 इंटू मोलैलिटी कितना होगा, मोलैलिटी और सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं. मोलैलिटी देख लीजिए, वेट आपको कितना दूंगा 58 अपॉन मोलर वेट 55, ठीक है. डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू ए इन ग्राम, राइट. अब इसको देख लीजिए कितना होगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 2 इंटू 0.52 इंटू डब्ल्यू बी कितना है, डब्ल्यू बी आपका 58.5. मोलर मास एनएससीएल का कितना होता है, 58.5 इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए सॉल्वेंट का कितना है, 500. दैट कम्स आउट टू बी 1. 500 बन जाए, 2 टाइम्स आएगा 4. डेल्टा टी बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 इंटू 0.52. दैट कम्स आउट टू बी आपका कितना, आप मल्टीप्लाई कर लो इसको 4, आपका 2.08 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा. डेल्टा टी बी यानी कि एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना आ जाएगा, 2.08 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है. एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट इतना आ जाएगा. अगर आप इसी में पूछा था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है ना, पहला तो आपका डेल्टा टी बी, दूसरा है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. अब आपको पता है कि अगर आपका वाटर होता, सिर्फ वाटर होता तो टेम्परेचर कितना होता, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता, 100 होता. अगर सिर्फ वाटर होता तो बॉइलिंग पॉइंट होता 100. लेकिन आपने उसमें क्या कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन ऐड कर दिया. सिर्फ वाटर होता तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता 100. आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन ऐड किया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 2.08. तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 100, जो होना चाहिए था वाटर का. लेकिन इंक्रीज कितना किया, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 2.08. तो बॉइलिंग पॉइंट आपको हो जाएगा 102.08 डिग्री सेल्सियस, राइट. इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखिए, आपसे कह रहा है, वन मोल सीएसीएल टू इज डिजॉल्व्ड इन वाटर
is dissolved in water. 1 mole CaCl2 is dissolved in water to make a solution of 5 liter at 27 degree Celsius. ठीक है, at 27 degree Celsius. Calculate osmotic pressure in ATM. Calculate osmotic pressure in ATM. ठीक है, सॉल्यूशन देखेंगे. अब आपको पता है हर जगह आपको आई कंसीडर करना ही है, राइट. तो ध्यान दीजिए, पाई इज इक्वल टू क्या होगा, पाई इज इक्वल टू होगा आई इनटू ऑस्मोटिक प्रेशर की क्या वैल्यू होती है, सिंपल जितनी वैल्यू होती थी उसमें मल्टीप्लाई करना है, एनबी अपॉन वी आर टी. या आप इसे करें तो पाई इक्वल टू आई सी आर टी, राइट. तो ध्यान दीजिएगा, पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई इक्वल टू हो जाएगा आपका आई. अब CaCl2 के लिए आई की वैल्यू क्या होगी, वैसे तो हमने कैलकुलेट किया है लेकिन फिर भी इधर देख लेते हैं. CaCl2 आपका टूटेगा Ca2 प्लस प्लस 2Cl- में, है ना. तो एक पार्टिकल आपका कितना बना रहा है, एक पार्टिकल CaCl2 का इधर बना रहा है एक प्लस दो, तीन पार्टिकल. एक पार्टिकल ऑफ CaCl2, वन पार्टिकल ऑफ CaCl2 इज फॉर्मिंग थ्री पार्टिकल्स. नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन 3, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन इज 1. आई की वैल्यू आ गई कितनी, आई की वैल्यू आ गई 3. आफ्टर डिसोसिएशन 3 पार्टिकल, बिफोर डिसोसिएशन 1 पार्टिकल, तो आई की वैल्यू आएगी आपकी 3. तो पाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 इनटू 1 मोल ऑफ CaCl2. एनबी की वैल्यू दी आपको, 1 मोल ऑफ CaCl2 दिया है, एनबी की वैल्यू आपको दी है, 1 मोल ऑफ CaCl2 डिसॉल्व इन 5 लीटर इन वाटर टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ 5 लीटर. तो हुआ आपका कितना, 1 मोल आपको दिया, एनबी की वैल्यू दी है, इस बार वेट वेट चला पड़ा नहीं, आपको दिया हुआ ऑलरेडी 1 मोल, तो आपने लिखा है यहां पे 1 मोल. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 5. आर की कौन सी वैल्यू पुट करनी है, 8.3 आर की. देखिए एक होती है 8.314 और एक होती है आपकी 0.0821. ये होती है आपकी जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल. ये वाली होती है आपकी लीटर एटीएम, ये वाली होती है आपकी लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल. अब आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है लीटर में और ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहा है एटीएम में, तो आर की कौन सी वैल्यू यूज होगी, ये वाली वैल्यू यूज होगी 0.0821 वाली. That is approximately equal to 1/12. आपको बताया था न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा. तो यहाँ पे आप देखिए 1/12 और टेम्परेचर की वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस, इसको आपको केल्विन में लिखना है 300. इसको आप सॉल्व करिए, 5 × 5 60 टाइम्स और 12 × 12 5 टाइम्स, पाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1580 आ जाएगा. कितना आ जाएगा आपका, 1580. तो देखिए आपका क्या लिख रहा है, पाई इज इक्वल टू 1/5 × 1/12 = 12 × 5 × 1/12 = 1580 अगर हमें एक और सॉल्यूशन दिया होता जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर 1580 ही होता, एक और सॉल्यूशन दिया होता जिसका आपका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता, 1580 होता, है ना. एक सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी आपको दे रखा है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर 1580, इसका हमने कैलकुलेट करके निकाला 1580. इसका मतलब क्या है, दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक हुए, है ना. अगर मैंने यहां पर 10 दिया होता तो आप कहते ये वाला सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है क्योंकि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ज्यादा है. अगर मैंने यहां 20 दिया होता तो आप कहते हैं हाइपोटोनिक है क्योंकि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कम है. मैंने अभी यहां क्या बात करी कि जैसे मान लो आपका 1580 है, मैंने यहां एक सॉल्यूशन दिया होता आपका 1580, एक सॉल्यूशन दिया होता 1080, एक सॉल्यूशन दिया होता 2080. तो देखिए 1580 आया इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये वाला सॉल्यूशन इस वाले सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में आइसोटोनिक है. दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, आइसोटोनिक है. अगर आप इन दोनों को देखो तो ये हुआ हाइपरटोनिक और ये हुआ हाइपोटोनिक. अगर आप इन दोनों को ऑब्जर्व करो तो ये हुआ आपका हाइपरटोनिक और ये हुआ आपका हाइपोटोनिक. अगर आप इन दोनों को देखो, तो ये हुआ आपका हाइपरटोनिक. क्या हुआ आपका हाइपरटोनिक, क्योंकि ये ज्यादा है, और ये हुआ हाइपोटोनिक. इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट. इसको आप नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं.
अब एक तरह के क्वेश्चन ना बहुत बार पूछे जा चुके हैं, बहुत बार पूछे जा चुके हैं नेट में, कम से कम 5-6 बार तो आया होगा नेट में, मुझे ईयर तो याद नहीं है, मतलब प्रीवियस ईयर नेट में एक स्पेशल टाइप है जो बहुत बार आ चुका है ना, मतलब नेट में इतनी बार उससे सवाल पूछा गया है, मतलब बहुत बार आया होगा, मुझे गिनती भी याद नहीं, ईयर भी याद नहीं है, मैं दिखा देता हूं किस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन बहुत आया नेट में, बोला है फॉर सेम कंसेंट्रेशन, फॉर सेम कंसेंट्रेशन, फॉर सेम कंसेंट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी मैक्सिमम, फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी मैक्सिमम फॉर, विल बी मैक्सिमम फॉर, ऐसा करके क्वेश्चन है, ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी मैक्सिमम फॉर सेम कंसेंट्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी मैक्सिमम फॉर, ऐसा पूछा है, फॉर सेम कंसेंट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी मैक्सिमम फॉर, किसके लिए मैक्सिमम होगा इसको देख रहे हैं, फॉर सेम कंसेंट्रेशन, पहला आपका NaCl, दूसरा आपका MgCl2, तीसरा आपका सपोज CaCl2, और फोर्थ आपका डी आपका Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। फॉर सेम कंसेंट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी मैक्सिमम फॉर, किसके लिए मैक्सिमम होगी ऑस्मोटिक प्रेशर इनमें से, तो बहुत ऑब्वियस है सेम कंसेंट्रेशन कह रहा है, आपको बताओ पाई इक्वल टू क्या होता है, पाई इक्वल टू होता है आपका आई इंटू CRT, है ना। आपको बाकी चीजें अगर नहीं दिया, कुछ नहीं दिया है, तो आपका टेम्परेचर भी क्या होगा, सबके लिए सेम होगा, टेम्परेचर भी सेम है, आर की वैल्यू सबके लिए सेम है, ठीक है, आर की वैल्यू सबके लिए सेम है, ठीक है। तो देखिए टेम्परेचर भी सेम है, आर की वैल्यू भी सबके लिए सेम है, और आपको दिया फॉर सेम कंसेंट्रेशन भी सब कुछ सेम है, तो फॉर सेम कंसेंट्रेशन पाई विल बी मैक्सिमम, जिसके लिए आई मैक्सिमम हो, अगर आई जिसका ज्यादा है उसके लिए पाई ज्यादा होगा, राइट। अगर वॉल्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू ज्यादा है तो आपके ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी, राइट। तो आपको दिया फॉर सेम कंसेंट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी मैक्सिमम फॉर, तो सीधी सी बात है आपका अगर टेम्परेचर सेम है, ठीक है, अगर नहीं दिया मेंशन नहीं तो मान सकते हो कि टेम्परेचर सबके लिए क्या सेम है, आर की वैल्यू भी आपकी कॉन्स्टेंट होगी सबके लिए, और फॉर सेम कंसेंट्रेशन दे दिया तो कंसेंट्रेशन भी सबके लिए क्या है, सेम है, तो सीधी सी बात आई के ऊपर डिपेंड करेगा, आई जिसकी मैक्सिमम उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए मैक्सिमम, तो यहां पे आई की वैल्यू क्या है 5 है, यहां पे आई की वैल्यू क्या है 3 है, यहां पे आई की वैल्यू क्या है 3, अब आई कैलकुलेट करना आना चाहिए आपको, यहां पे आई की वैल्यू है क्या 2 है, ये क्योंकि कितने पार्टिकल में टूटता है 2 पार्टिकल में, ये आपका कितने पार्टिकल में टूटता है 3, ये भी आपका 3, और ये आपका कितने पार्टिकल में टूटता है Al2SO4 होल थ्राइस, ऑलरेडी हमने कर लिया 5 पार्टिकल में, तो ये 5 पार्टिकल में टूट रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा इसके लिए मैक्सिमम होगा, राइट। और अगर आपको थ्योरेटिकली भी सोचना तो सोच के देखो, आपने कहा सेम कंसेंट्रेशन डाला हमने सबका एक एक मोल डाल लिया, आपने कहा अगर आप थ्योरेटिकली भी सोचो तो सबका आपने एक एक मोल डाला सॉल्यूशन में, इसका भी एक मोल डाला सॉल्यूशन में, इसका भी एक मोल डाला सॉल्यूशन में, इसका भी एक मोल डाला सॉल्यूशन में, और इसका भी एक मोल डाला सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में जाने के बाद ये 2 पार्टिकल में टूट रहा है, ये आपका 3 पार्टिकल में टूट रहा है, अभी आपका 3 पार्टिकल में टूट रहा है, और ये भी आपका, ये आपका 5 पार्टिकल में टूट रहा है, तो ज्यादा पार्टिकल में कौन टूट रहा है, 5 पार्टिकल में टूट रहा है, तो अगर एक मोल डाला होता तो ये 2 मोल में टूट जाता, ये 3 मोल में टूट जाता, एक मोल आपका 3 मोल में, इसका भी आपका एक मोल आपका 3 मोल में, और इसका एक मोल आपका 5 मोल्स में टूट जाता, कितने मोल में टूट जाता 5 मोल्स में, तो नंबर ऑफ पार्टिकल यहां मैक्सिमम है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू यहां मैक्सिमम होगी, अब वो चाहे डेल्टा टी भी पूछता तब भी यही होता, और डेल्टा टी एफ पूछता तब भी यही होता, राइट। डेल्टा टी भी पूछता तब भी यही होता, डेल्टा टी एफ पूछता तब भी यही होता, क्यों, क्योंकि आपको सेम कंसेंट्रेशन दिया है, तो ये होता आपका आई इंटू के बी इंटू एम, आई इंटू के बी इंटू के एफ इंटू एम, आपको सेम कंसेंट्रेशन दिया है कंसेंट्रेशन क्या है सेम, यानी कि मोलालिटी होगी सेम, के बी आपका कॉन्स्टेंट है ना, कि कंसेंट्रेशन दिया आपको सेम, कंसेंट्रेशन दिया है सेम, है ना, यानी कि आपकी मोलालिटी होगी सबकी सेम, के बी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, तो जिसके लिए आई की वैल्यू ज्यादा उसका डेल्टा टी भी ज्यादा, जिसके लिए आई की वैल्यू ज्यादा उसके लिए डेल्टा टी एफ ज्यादा, क्यों, क्योंकि मोलालिटी सेम है और के एफ की वैल्यू क्या है कॉन्स्टेंट है, तो जिसके लिए आई की वैल्यू ज्यादा उसके लिए डेल्टा टी भी ज्यादा और डेल्टा टी एफ भी ज्यादा। आप सिंपली समझ सकते थे कि चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर पूछे, चाहे आपसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछे, चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछे, ये तीनों ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो सीधी सी बात है कि जो ज्यादा पार्टिकल में टूटेगा, ये आपका 2 पार्टिकल में टूट रहा है, 1 पार्टिकल 2 पार्टिकल में टूट रहा है, इसका आपका 1 पार्टिकल 3 पार्टिकल में टूट रहा है, इसका 1 पार्टिकल आपका 3 पार्टिकल में टूट रहा है,
इसका एक पार्टिकल आपका पांच पार्टिकल में टूट रहा है, तो जो ज्यादा टूटेगा वो ज्यादा पार्टिकल बनाएगा, ठीक है। तो इसका एक मोल दो मोल बनाएगा, इसका एक मोल तीन मोल, इसका एक मोल तीन मोल, और इसका एक मोल पांच मोल बनाएगा। तो पांच मोल ये बना रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें ज्यादा है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है, तो दैट विल बी मैक्सिमम फॉर L2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं नीट ने, आप जाके देखना एक बार, ठीक है। इसी सेम फंडे पे बिल्कुल कई सारे इलेक्ट्रोलाइट दे देंगे और पूछ लेंगे कि किसके लिए वैल्यू मैक्सिमम होगी, आई की वैल्यू से सिंपल अपन कंपेयर कर लेते हैं। अब टाइम भी हो गया है, थोड़ा सा बाकी है अभी, कुल है ना वांट ऑफ फैक्टर में थोड़ा सा बाकी है। तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले रिक्वेस्ट की इसको देख के आइएगा, रिवाइज करके आइएगा, है ना, तभी हम वहां से कंटिन्यू करेंगे अच्छे से। तब तक के लिए टेक केयर, है ना। अगले लेक्चर में अगर आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको भूला भूला लगेगा और थोड़ी प्रॉब्लम होगी पिकअप करने में। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्लीज नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले एक बार इसको जरूर रिवाइज करें, है ना, इसको एक बार ढंग से पढ़ के आए। नेक्स्ट लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।